तो भाई ये अपनी बाइक है, आज छुट्टी वाले दिन सोचा कि भाई चलो इसकी सर्विस करवाई जाए। देखिए कुछ साइड में जो गार्ड हैं इनको चेंज करवाएंगे। एक आप देख पा रहे हो लेमिनेशन कहीं कहीं से कट गई है, तो सोच रहा हूँ उसको भी चेंज करवा लूँ। तो अभी चलेंगे अपने रॉयल इनफील्ड के शोरूम में चरखी दादरी और वहाँ करवाते हैं बाइक की सर्विसिंग। ये अपना चैनल है, ऐसी कुछ अभी फिलहाल दिख रही है, सर्विस करवाएंगे धुलवाएंगे। तो भाई पहुँच गए हैं रॉयल इनफील्ड चरखी दादरी और ये है इनका सर्विस वाला पोर्शन और सामने आप देख पा रहे हैं वहाँ है इनका शोरूम जहाँ नई बाइकें बेची जाती हैं। बाइक अपनी अब आ गई है वॉशिंग एरिया में। यहाँ पे सर्विस होने से पहले बाइक को वॉश करते हैं, तो अभी बाइक अपनी वॉश हो जाएगी, उसके बाद बाइक अपनी जाएगी सर्विसिंग के लिए। तो भाई ने काफ़ी अच्छे से बाइक को वॉश किया है आज, काफ़ी दिन से धुलवाई नहीं थी, तो साथ ही साथ दोनों काम आज हो जाएंगे, छुट्टी का भरपूर उपयोग हो रहा है आज। ये है यहाँ का सर्विस एरिया जहाँ पे सभी बाइकों की अच्छे से सर्विस की जाती है। तो भाई बाइक अपनी धुल के बिल्कुल रेडी है, अभी भाई साहब बाइक को बड़ी जहदोजहद के साथ बाहर निकालने में लगे हुए हैं, उसके बाद ये अपनी सर्विस बे पे आएगी और सर्विस अपनी स्टार्ट होगी। ये देखो दोनों भाइयों ने बड़ी मशक्कत के साथ बाइक को वॉशिंग एरिया से बाहर निकाला है। तो भाई रेट्रोफिटेड बाइक होने की वजह से भाइयों को काफ़ी जहदोजहद करनी पड़ी इसको उठाने के लिए, लेकिन पहले भी मैं इनसे करवाता आया हूँ तो इन्होंने एडजस्ट कर लिया इसमें। इंजन के नीचे से दो नट खोले जा रहे हैं ताकि सारा ऑयल बाहर आ सके। ये आप देख पा रहे हो जी कैसे सारा पुराना वाला तेल जिसकी हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी थी वो सारा धीरे धीरे करके निकल रहा है इसमें से ताकि नया ऑयल डल सके। एयर फिल्टर ये हर बार नया डलता है, कंडीशन इसकी कंडीशन है। तो भाई एयर फिल्टर की अपनी की हालत थोड़ी ठीक थी तो भाई ने सजेस्ट किया कि इसको अभी एक बार साफ करके डाल देंगे, अगर आपको लगे तो फिर आप इसको चेंज करवा लेना। तो अभी भाई इसको अच्छे से साफ कर रहे हैं। ये कितने दिन में चेंज होता है भैया? अरे सर्विस पे होता है। तो भाई ये जहाँ पे एयर फिल्टर की असेंबली होती है उसकी एक ग्रिप इन्होंने चेंज करी है और अभी भाई इसको अच्छे से साफ कर रहे हैं ताकि एयर फिल्टर वापस लगाया जा सके। ये एक नट है जो कि जो अपना ऑयल डलता है उसके इंजन के नीचे लगता है, तो उसको भाई पेट्रोल से अच्छे से साफ कर रहे हैं। दो तीन बार इन्होंने अच्छे से साफ किया उसके बाद लगाया।
कितना डाला भैया ये? 1.7 लीटर। ये इनफील्ड का खुद का है क्या? बाइक चल चुकी है 12,500 किलोमीटर, तो एक नया स्पार्क प्लग लगवा दिया। वैसे तो बता रहे थे वो भी पहले वाला भी ठीक है, लेकिन सोचा कि यार पता नहीं कब इसका नंबर आएगा सर्विस का, तो इसको चेंज करवा ही लेते हैं, तो करवा दिया। साथ में जो दूसरे भाई हैं वो चैन की सेटिंग कर रहे हैं। तो इसके साथ ही लकीली हमने भाई को बोला कि भाई एक बार इसके जो आगे के ब्रेक पैड हैं वो और चेक कर दो, तो उन्होंने खोला तब पता लगा कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे, तो वो भी अब भाई चेंज कर रहे हैं, नए आगे के ब्रेक पैड डलवा देंगे। पीछे के इसलिए नहीं डलवाए क्योंकि पीछे का ब्रेक अपना कभी काम करता नहीं है। तो अब बारी थी चेन सेट की। चेन को पहले क्लीनर से बिल्कुल अच्छे से साफ किया, और जैसा आप देख पा रहे हो ये रॉयल इनफील्ड का ही स्प्रे है जिससे ये साफ करते हैं। इसको पहले स्प्रे से साफ किया, उसके बाद अब देखो कपड़े से साफ किया भाई ने, और काफ़ी अच्छे से साफ किया है ताकि कोई दिक्कत ना आए। चैन मेरी काफ़ी आवाज़ कर रही थी, तो इन्होंने बताया कि जो चैन है वो बिल्कुल आपकी लूज हो रखी है। तो पहले इन्होंने स्प्रे से किया, फिर कपड़े से किया, अब इसको ये लुब्रिकेट करेंगे। नेक्स्ट है अपना डिस्क ब्रेक वाला ऑयल, तो ये कम था तो भाई ने इसको और डाल के और पूरा किया। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अपना जो ब्रेक है वो सिर्फ आगे का ही हमेशा यूज करता हूँ, तो इसको काफ़ी अच्छे से इन्होंने बिल्कुल भर के और बंद कर दिया है अच्छे से। मैंने जैसे ही इनको बताया कि भाई क्लच है जो वो बहुत टाइट हो रखी है, तो इन्होंने क्लच वायर खोल ली दोनों साइड से, पेट्रोल से उसको साफ किया। ये तरीका आज मैंने पहली बार देखा क्लच वायर साफ करने का। तो ये अब लास्ट में बात करी जाए इसके खर्चे की, तो टोटल अपना बिल आया 2354.75, जिसमें सब कुछ ऐड था। पेड सर्विस थी तो लेबर चार्जेज 737 रुपीज़, और बाकी सब की इंडिविजुअल आप स्नैपशॉट लेके देख सकते हो कौन सी चीज़ कितने रुपए की थी।